सिंहासन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। सिंहासन करने से तीन बड़ी बीमारियां दूर होती हैं, जिनको थायराइड की बीमारी है, जिनको टॉन्सिलाइटिस की बीमारी है, और जो हकला करके बोलते हैं, जिनका आवाज़ ठीक नहीं निकलता है, और जिनको गले में किसी प्रकार की समस्या है, ये समस्याओं के लिए ये रामबाण औषधि है। इसमें जीव निकालते हैं, इसे इसमें शेर की तरह गर्जन करते हैं, जीव निकालिए। बढ़िया से बुझाते हैं, घटियावा तक कोई उसे करा नहीं। ऐसे करिए, पूरा जीभवा निकाले ऐसे। अब गला को थोड़ा मसाज करिए। ये जिंदगी भर गला टनाटन रहेगा। अब इसके बाद में आप ये वाला अभ्यास करेंगे, सीधे बैठिए। यहाँ इसको छूए थोड़ा सा उंगली से, महसूस करिएगा वाइब्रेशन। ये यहाँ पर क्या हो रहा था? वाइब्रेशन होता है, हाँ, कंपन हो रहा था। हाँ, यहीं पर थायराइड ग्लैंड है, यहीं पर हमारा टॉन्सिल है, यहीं पर हमारा स्वर ग्रंथि भी है, लैरिंग्स भी है, तो इन सारे चीज़ यहीं पर, थ्रोट भी, गला यहीं पर है, इन सारे अंगों को एक्टिवेट कर देता है और कभी कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी। जब गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं, भेड़ चराते हैं, बकरी चराते हैं, तो हम लोगों ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इससे गला ठीक रहता है उस आदमी का। तो आइए अगला अभ्यास हम लोग हस्तासन करेंगे। हम मुस्कुराइए ऐसे। ले जोर लगा के। हेलो। हंसी आप लोग? बुझाता कि लील घोड़ भगावत नहीं रहा। हाँ, तो बहुत लोग ना आजकल ने घोड़ परास भी भगाता है। रुकिए अभी, तो हंसने की भी परंपरा है। तो आइए इन सारे अभ्यासों को नियमित करेंगे और सभी लोग बड़ी निष्ठा श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। गांव में स्वच्छता अभियान, गांव में जड़ी बूटी का अभियान, गांव में दहेज प्रथा मुक्ति का अभियान, गांव में योग जागरण रैली, गांव में हम वृक्षारोपण, इन तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को हमने ये चार दिनों में संपादित किया है और आप सभी को अलग अलग टोले में जाकर के हमने इन सारे चीजों को बताने का काम किया है और आप सभी बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को विराम करते हैं। आँख बंद करिए, तीन बार ओम का उच्चारण और तीन बार शांति शांति करके विराम करेंगे। शांति शांति ही ओम। आप
सभी देवी आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम को हम विराम करते हैं। ओम।